हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, मैथ क्लास में आपका स्वागत है। और मैथ क्लास में आज आप स्क्रीन पे देख रहे हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, बोल रहा है सॉल्व कीजिए। लेकिन इसका नाम क्या है इस क्वेश्चन का, ये भी जानना जरूरी है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को बोलते हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास का रूल बहुत सिंपल होता है बच्चों, अगर आपको बोर्ड मास का रूल समझ में आ गया तो फिर चाहे जितना बड़ा भी बोर्ड मास आपके सामने आएगा आप आसानी से बना लीजिएगा, क्योंकि भैया ऐसे ऐसे क्वेश्चन के तो नर्सरी क्लास के बच्चे भी बना लेते हैं, ठीक है। हाँ, नर्सरी क्लास के बच्चे भी बना लेते हैं, अगर उसको आसान से समझा दीजिएगा तो वो भी बना लेंगे। कैसे से देखिए, बोर्ड मास का रूल होता है क्या, बोर्ड मास यही होता है ना, बिफोर ब्रैकेट, मतलब कहता है कि भैया जहां भी ब्रैकेट दिखे उसको पहले सोल्व कर लो। तो चलिए हम लोग रूल से चलते हैं। ये रूल, ये हो गया ब्रैकेट, ये हो गया ओ और ये हो गया डी, ये चलिए यहां पे देखते हैं, ये हो गया डी और ये हो गया मल्टीप्लाई, ये हो गया एडिशन, ये हो गया सब्ट्रैक्शन। अब तो समझ में आ रहा होगा बी ओ डी एम ए एस, बोर्ड मास, ठीक है। डी मास नहीं, डी मास इतना ही होगा, ये जुड़ गया बोर्ड मास। अब तो आप आसानी से समझ रहे होंगे, तो पहले किसको सोल्व करना है, ब्रैकेट, ये तो सोल्व हो चुका होगा। कैसे, टू वन जा टू, टू थ्री जा सिक्स, एट और थ्री कितना होता है इलेवन, लिख दिए, चलिए थोड़ा बड़ा लिखते हैं, इलेवन ऑफ, इसको सॉल्व करना है। लेकिन उससे पहले ये कट रहा है, फाइव वन जा फाइव, फाइव एट जा फोर्टी, कट गया, बिल्कुल कट गया, तो एट लिख देंगे। डिवाइड है, सो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं और वन बाई एट्टी लिख देते हैं, क्यों, जब यहां कुछ नहीं तो वन है, डिवाइड है तो इसको चेंज करते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम्स ना, कर दिए इनटू सिक्सटी प्लस फोर्टी माइनस सेवेंटी लिख दिए। अब ऑफ को बनाना है, इलेवन एट जा कितना होता है भैया, इलेवन एट जा एट्टी एट, so 88 into 1 by 80 into 60 plus 40 minus 70, कोई दिक्कत, no। चलिए 8 के टेबल में काट देते हैं, 8 tens are 80 और 8 ones are 11 बाद में, ये कट गया। अब जब ये कट गया तो देखिए ये भी कट गया सिक्स बार में, चलिए सिक्स वन जा सिक्स और इलेवन सिक्स जा सिक्सटी सिक्स प्लस फोर्टी माइनस सेवेंटी। अब देखिए सिक्सटी सिक्स और फोर्टी कितना हो गया, तो ये हो गया छह चार दस, यानी वन हंड्रेड सिक्स, यही ना, सिक्स का छह चार दस माइनस सेवेंटी। अब देखिए 70 माइनस कर देना है तो 6 का 6 ही हो गया, 10 में 7 गया 36, ये आपका आंसर हो गया, बिल्कुल इजी ढंग से। हमने क्या किया, कुछ भी किया नहीं किया, क्या बोर्ड मास का रूल, आप डायरेक्ट एलसीएम लेके भी इसको बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको यहाँ डायरेक्ट काट सकते थे, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसलिए नहीं काटा क्योंकि मैं रूल आपको समझा रहा था, पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, मैंने सॉल्व किया, 11 एट 88 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर से मैं काट के उसको यहाँ पे 11 से काटा, 11 8 से, तो 11 बार में और ये 10 बार में, ये 6 बार में, अब 6 1 जा 6, 11 6 जा 66 और 40 जोड़ दिया तो ये 110 और 110 में 70 माइनस, तो हो गया 6 का 6, 10 में से ये 36, बिल्कुल इजी ढंग से आपने बोर्ड मास को सॉल्व किया, किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम्स, नो प्रॉब्लम, आप आसानी से सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो
चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए भैया। जय हिंद जय भारत।